बीते रोज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट क्षेत्र में हुए हत्याकांड के मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया गया है कि हत्यारोपी युवक ने तीन नहीं बल्कि चार लोगों को मौत के घाट उतारा था। पुलिस के छानबीन में हत्यारोपी द्वारा अपनी पत्नी की भी हत्या करने का खुलासा हुआ है। तीनों मृतक महिलाओं के शव मिलने के करीब 16 घंटे बाद आरोपी की पत्नी का शव घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर एक बंद कमरे से बरामद हुआ है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने प्रथम दृष्टया इसे चौहरे हत्याकांड की वजह आपसी कलह बताया है। फिलहाल पुलिस इस चौहरे हत्याकांड के आरोपी संतोष राम की तलाश में जुटी हुई है, जो इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया था। बता दें कि बीते रोज पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट तहसील क्षेत्र के बुरसुम गांव में एक युवक द्वारा एक ही परिवार की तीन महिलाओं और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारे जाने की खबर से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार छलिया नृत्य से जुड़े दो सगे भाइयों शेर राम और मोहन राम का परिवार बुरसुम गाँव में अगल बगल रहता था। बताया गया है कि बीते रोज सुबह करीब 5 बजे जब शेर राम की पहली पत्नी हेमंती देवी बहू रमा देवी और इन दिनों अपने मायके आई उसकी बेटी माया घर के एक कमरे में सोए हुए थे, जबकि शेर राम की दूसरी पत्नी बसंती देवी अपने गौशाला में गई हुई थी। इसी दौरान मोहन राम का पुत्र संतोष राम वहां आया और उसने कमरे में सो रही अपनी ताई हेमंती भाभी रमा और ताऊ की विवाहिता बेटी माया की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी, जिसके बाद संतोष मौके से फरार हो गया। इसी दौरान फरार हत्यारोपी संतोष की तलाश में जुटी पुलिस को देर रात घटनास्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक बंद कमरे में संतोष की पत्नी चंद्रकला का शव भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त रमा के दो मासूम बेटे 3 वर्षीय ऋषभ और 1.5 वर्षीय ऋषु भी अपनी मां के पास सोए हुए थे। आरोपी संतोष ने उन दोनों दुधमुहे मासूम बच्चों को छोड़ दिया। अब हत्यारोपी के सघन घने जंगल में छिपे होने की संभावनाओं को देखते हुए पुलिस और पीएससी जवान सघन तलाशी में जुटी हुई है। जंगल गुफाओं और नदी किनारे कैंपिंग चला रही है। अभी तक हत्यारोपी का कोई भी पता नहीं चल सका है। शुक्रवार सुबह गांव में हत्याकांड करने के बाद हत्यारोपी की बहुत दूर तक भागने की संभावना नहीं है। बुरसुम गांव रामगंगा नदी के निकट पिथौरागढ़ तहसील की सीमा से लगा हुआ है। पिथौरागढ़ से गांव की सड़क से दूरी 55 से 60 किलोमीटर पड़ती है। वहीं तहसील मुख्यालय गंगोलीहाट से दूरी लगभग 25 से 28 किलोमीटर तक है। यह गांव फल और सब्जी उत्पादक गांव है। पनार गंगोलीहाट मार्ग के चौनाल से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित इस गांव तक लिंक सड़क जाती है। गांव से सड़क मार्ग से भागने के लिए यही एक सिर्फ मार्ग है। पिथौरागढ़ की तरफ भागने के लिए रामगंगा नदी पर गांव के आसपास कोई पुल भी नहीं है। पुल रामेश्वर के आसपास है। गांव की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हत्यारोपित के पैदल ही आसपास के जंगल या फिर नदी किनारे छिपे होने की आशंका बनी हुई है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।